डॉक्टर रेणुका वर्मा, अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। ये भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि ये जो टॉपिक है वो BSc, MSc एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4th का लास्ट टॉपिक है। इसके अगले वीडियो में हम इस यूनिट के MCQs के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है और आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लाइकेन। तो सबसे पहले हम देखें कि लाइकेन जो है ये कहाँ पर स्टैंड करती है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो क्या है। तो लाइकेन देखिए किंगडम फंजाई के अंदर आती है। इसका जो ऑर्डर है वो है लेकेनोरेल्स और जीनस जो है वो है लाइकेन्स। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है वो फंजाई और एल्गी के बीच में हो रहा है, यानी कि कवक प्लस शैवाल इज इक्वल टू शैवाक। लाइकेन्स को हिंदी में शैवाक कहते हैं। ठीक है, तो जब फंजाई और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एसोसिएट होती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं, तो उन्हें हम इस एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। एल्गी जो यहाँ पर इसमें लाइकेन्स के अंदर जो एल्गल मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्लोरोफाइटा या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने के अंदर सक्षम होते हैं। लाइकेन्स जो हैं वो बार्क, लीव्स और मॉसेस के ऊपर ग्रो करते हुए मिलती है, एविडेंटली ग्रो करते हुए प्रचुर मात्रा में उगती है। ठीक है, फंगस पार्टनर जो इसका होता है, लाइकेन के अंदर जो फंगल होती है उसके लिए हम माइकोबायोंट वर्ड यूज करते हैं, और जो पार्टनर एल्गल पार्टनर है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसके लिए हम फोटोबायोंट शब्द को यूज करते हैं। तो एल्गी के लिए फोटोबायोंट एंड फंगस के लिए माइकोबायोंट शब्द का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइकेन का वह पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में यूज नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम थैलस कहते हैं। और ये थैलस जो है ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये पार्ट है अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेड्यूला एंड लोअर कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले देखें अपर कॉर्टेक्स, नाम से पता चल रहा है कि सबसे ऊपर वाला ये पार्ट है। तो अपर कॉर्टेक्स जो है ये एक प्रोटेक्टिव स्किन है जहाँ पर हाइफे प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंसली कॉम्पैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ अपने को दिख रहा है ये फंगल फिलामेंट्स हैं जो टाइटली पैक्ड हैं यहाँ पर, और एक तरीके से लाइकेन की प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, और ये सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एल्गल जोन, जो अपर कॉर्टेक्स है उसके जस्ट नीचे एल्गल जोन जो है थैलस में प्रेजेंट होता है। एल्गल जोन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है एल्गी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो फंगल टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होती है या उनके अंदर एनक्लोज होती है। उसके बाद है मेड्यूला। मेड्यूला जो है थैलस का सेंटर पार्ट हम कह सकते हैं, ये वाला सेंटर पार्ट होता है और ये थैलस का मेन पार्ट होता है। यहाँ पर जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, मतलब लोअर पार्ट से भी अगर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ कंडक्शन करना है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इस मेड्यूला वाले पार्ट से ही एल्गल जोन में जो हैं जाते हैं, एल्गल जोन फंगल जोन में जाते हैं, एल्गी जो है उनका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करती है। तो बेसिकली जो मेड्यूला वाला पार्ट है उसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। इसके बाद है लोअर कॉर्टेक्स, ये भी सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, सेम ऊपर की तरह ही होता है, जैसा अपर कॉर्टेक्स है वैसा ही लोअर कॉर्टेक्स है। डिफरेंस क्या है, अपर कॉर्टेक्स जो है थिक पार्ट होता है लेकिन जो लोअर कॉर्टेक्स है ये थिन पार्ट होता है, मेड्यूला के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये भी कॉम्पैक्टेड फंगल हाइफी से बना हुआ होता है। टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो लाइकेन्स हैं उनको तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन एंड फ्रक्टियोज लाइकेन। तो इसको हिंदी में बोलेंगे परपटी मय लाइकेन,
फॉलियस यानी कि पर्णिल शैवाक और फ्रक्टियोज यानी कि फलद शैवाक। ठीक है, तो क्रस्टोज लाइकेन जो है नाम से ही पता चल रहा है ये क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पपड़ी होती है किसी चीज के ऊपर पपड़ी जम जाती है, ठीक उसी तरीके से ये क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस पर लूजली सरफेस के साथ क्लोजली एडहेर होता है, चिपका हुआ होता है सरफेस के साथ में। इसका एग्जाम्पल है ग्राफिक्स। नेक्स्ट वन इज फोलियोज लाइकेन। ये जो है यहाँ पर जो थैलस है वो लीफ लाइक होता है और इसीलिए इसको फोलियोज लाइकेन कहते हैं। लीफ लाइक लॉब्स जो हैं इसके थैलस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो सरफेस से अटैच नहीं होता, सरफेस से फ्री होता है, मतलब सिर्फ एक पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, बाकी पार्ट जो है सरफेस से फ्री होता है। एग्जाम्पल है फिस्किया एंड परमेलिया। नेक्स्ट वन इज फ्रक्टियोज लाइकेन। ये जो है इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल रिबन लाइक होती है और ब्रांच जो होती है और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और असनिया। देखिए यह है क्रस्टोज लाइकेन, यह है स्कुमलोज, यह है फोलियोज लाइकेन और वो है फ्रक्टियोज लाइकेन। ठीक है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो लाइकेन है उसके दो ग्रुप्स हैं, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियो लाइकेन। अभी जो नाम इनको दिए गए हैं वो इनके जो फंगल मेंबर हैं वो किस ग्रुप से रिलेटेड हैं उसके बेस पे नाम दिए गए हैं। जैसे एस्कोलाइकेन जो है ये एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है और ज़्यादातर जो लाइकेन हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेसिडियो लाइकेन जो हैं इस केस में यहाँ पर ये बेसिडियो माइकोटा से जो इनका फंगल मेंबर है वो बिलोंग करता है। ठीक है, स्पीसीज और कॉमन नेम की बात करें तो लाइकेन्स की लगभग 20,000 स्पीसीज जो हैं वो नोन हैं या रिपोर्ट की जा चुकी हैं। कुछ लाइकेन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती लेकिन अभी भी उनको एज ए स्पीसीज माना जाता है। कॉमन नेम की बात करें तो लाइकेन के नाम में मॉस शब्द को जरूर जोड़ा जाता है, जैसे रेंडियर मॉस, आइलैंड मॉस। तो लाइकेन के नाम के अंदर, कॉमन नेम के अंदर मॉस लेटर हो, मॉस वर्ड जो है वो होता है। अब बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सभी प्रकार के रिप्रोडक्शन जो हैं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड जो है ये बहुत ही इफेक्टिव वे है रिप्रोडक्शन का। ये फॉलियोज फ्रक्टियोज लाइकेन में पाया जाता है। यहाँ पर थैलस के पार्ट अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स हो जाएं किसी भी वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, या हम कह सकते हैं कि थैलस की कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो गई, उस वजह से थैलस का कोई पार्ट जो है वो सेगमेंट जो है अलग हो गया, तो वो जो सेगमेंट है वो उसमें क्या होते हैं, उसमें ग्रोइंग एरियाज प्रेजेंट होते हैं, उसमें फंगल और एल्गल मेंबर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक पूरी की पूरी लाइकेन के अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आइसीडिया। आइसीडिया क्या होते हैं, इनको ओइडिया या आइडिया भी कहते हैं। ये थैलस के ऊपर एक स्मॉल पेपिला लाइक आउटग्रोथ होती है। पेपिला मैंने आपको पहले भी बताया था, देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये थैलस है, ठीक है, और इस थैलस पे इस तरीके से छोटी छोटी अगर आउटग्रोथ होती हैं तो इन छोटी छोटी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इनको हम आइडिया कहते हैं। अब ये जो है थैलस की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर जो पेपिला लाइक ग्रोथ या आइसीडिया हैं इनके अंदर एल्गल और फंगल दोनों ही मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये उस लाइकेन की बॉडी से डिटैच होती है तो ये पूरी की पूरी लाइकेन को डेवलप करने में कैपेबल होती है। सोरिडिया, सोरिडिया भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ये बड लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये बड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि थैलस की मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, थैलस की सरफेस भी प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर बहुत सारी एल्गल सेल और कुछ फंगल सेल्स होती हैं। ये भी जब थैलस से डिटैच हो जाते हैं तो नए लाइकेन को डेवलप करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में अगर आप क्लियरली देखना चाहें तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं ये तो है आईसीडिया। ठीक है, और जो ये बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इस तरीके से ये दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये जो हैं ये हैं सोरिडिया। ये डिफरेंस है, देखिए सोरिडिया बड़ा पार्ट है और बडिंग पार्ट है, जबकि जो आईसीडिया हैं वो पेपिलेटेड या पेपिला लाइक आउटग्रोथ है।
इसके बाद है सिफिलोडिया। सिफिलोडिया जो है ये एक्सटर्नल या इंटरनल गॉल लाइक यानी ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूमर जैसी आउटग्रोथ होती है जो कि डार्क कलर की होती हैं और इनके अंदर फंगल और एल्गल दोनों ही मेंबर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं एक्चुअली यही हैं जिनको हम सिफिलोडिया कहते हैं। ये भी जब यहाँ से डिटैच हो जाती हैं तो पूरी की पूरी लाइकेन को डेवलप करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है पिकनीडियो स्पोर कोनिडिया ओइडिया फॉर्मेशन के द्वारा। कुछ केस में क्या होता है हाइफी जो हैं टूट जाते हैं और स्मॉल पीसेस जो हैं उन स्मॉल पीसेस को हम ओइडिया कहते हैं। लेकिन पिकनियो स्पोर्स की बात करें तो पिकनियो स्पोर जो हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जो कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिसे कि हम पिकनीडिया कहते हैं और उस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के नाम पर ही इनको हम पिकनीडियोस्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ओगेमस प्रकार का होता है। एस्कोगोनियम और स्पर्मेशिया इनके अंदर बनते हैं। एस्कोगोनियम फीमेल पार्ट है और स्पर्मेशिया जो है ये मेल पार्ट है। ठीक है, ओगेमस जो रिप्रोडक्शन है हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होता है जो कि इमोबाइल लार्ज फीमेल गैमिट के पास जाता है मूव करके और उसको फर्टिलाइज करके जायगोट या ओस्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए एस्कोगोनियम क्या है। एस्कोगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि एस्कोमाइसिटियस जो लाइकेन है उनके अंदर पाया जाता है। जो फंगा हाइफी जो है यहाँ पर देखिए एस्कोमाइटा जो फंजाई हैं इनके जो हाइफी हैं वो एस्कोगोनियम के रूप में ग्रो होते हैं और वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं और बाद में वो एंथ्रिडियम से फ्यूज होते हैं। इनके गैमिट जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेशिया जो है ये एक प्रकार की नॉन मोटाइल गैमिट हैं जो कि रेड एल्गी और कुछ फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। कलरलेस सेल जो है कुछ फंजाई और लाइकेन की वो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर डेवलप होती है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें तो रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर जो एल्गल मेंबर है वो क्लोरोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया हम सभी जानते हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो जिन लाइकेन्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया एज ए फोटोबायंट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। फूड की बात करें तो कुछ लाइकेन जो हैं स्टेपल फूड के रूप में यूज़ की जाती हैं। इसको ब्रेड के रूप में, पुडिंग के रूप में, सूप या सैलड के रूप में यूज़ किया जाता है। बायोडिग्रेडेशन की बात करें तो लाइकेन जो हैं वो पॉलिस्टर रेजीन को डिग्रेड कर सकती है। कुछ लाइकेन्स जो हैं उनसे सेकेंडरी कंपाउंड्स या पिगमेंट्स जो हैं वो डाई के रूप में बनते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक मेटाबोलाइट। लाइकेन्स जो हैं ये मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करती हैं जो कि मेडिकल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और कुछ जो हैं कुछ लाइकेन्स जो हैं उनके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद है ट्रेडिशनल मेडिसिन। लाइकेन्स जो हैं इनका यूज़ नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में जो आज भी जो आदिवासियाँ हैं, जो जनजाति ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो इनका आज भी यूज़ करते हैं। कई कल्चर्स में इनको आज भी नॉन साइंटिफिक या ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये टॉपिक जो था लाइकेन से रिलेटेड था और ये यूनिट 4th का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरी यूनिट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज मुझे लगा कि बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं तो बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।